मुंबई के पॉश इलाके के सोसाइटी में एक वॉचमैन की बस्ती के बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई की। वॉचमैन का करतूत सिर्फ इतना था कि उसने बस्ती के बच्चों को सोसाइटी के आगे खेलने से मना कर दिया था। फिर क्या था, बस्ती के बदमाशों ने सोसाइटी में घुसकर वॉचमैन की जमकर धुनाई की और सोसाइटी के लोग तमाशबीन बने रहे। सोसाइटी के अंदर घुसकर गार्ड की पिटाई, 10 बदमाशों ने की वॉचमैन की धुनाई। बदमाशों ने बेल्ट से की सरेआम गार्ड की पिटाई। बच्चों ने भी वॉचमैन पर बरसाए लात घूसे। ये तस्वीरें हैं मुंबई के पॉश इलाके पाम ग्रोवर्स सोसाइटी की, जहां बदमाशों ने वॉचमैन को बेरहमी से पिटाई की और सोसाइटी के लोग तमाशबीन बने रहे। सोसाइटी का गार्ड पीटता रहा और सोसाइटी के लोग देखते रहे। सोसाइटी के वॉचमैन का कसूर सिर्फ इतना था, किसने स्लम के बच्चों को सोसाइटी के आगे खेलने से मना किया था और गार्ड को इसका हर्जाना कुछ इस तरह से चुकाना पड़ा। सीसीटीवी के तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन आप इन तस्वीरों से बदमाशों की गुंडागर्दी साफ देख सकते हैं। देखिए कैसे बदमाशों का ग्रुप सोसाइटी के गेट पर पहुंचा और गेट पर तैनात गार्ड की ओर लपक पड़ा। वॉचमैन अभी कुछ सोचता उसके पहले ही बदमाशों ने गार्ड के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते बदमाशों का पूरा ग्रुप वॉचमैन पर हावी हो गया। गार्ड अपनी जान बचाने के लिए सोसाइटी के अंदर भागा तो बदमाशों की टोली सोसाइटी के अंदर घुस आई और लगे वॉचमैन की धुनाई करने। देखिए वॉचमैन आगे आगे जान बचाने में लगा है और बदमाशों का ग्रुप गार्ड को बेल्ट से पिटाई करने में जुटा है। बदमाशों की टोली में शामिल ये बच्चा वॉचमैन पर लात घूसों की बरसात कर रहा है। जब बदमाशों का गार्ड की पिटाई से मन भर गया तो वो चले गए। तब जाकर इलाके का माहौल शांत हुआ, लेकिन वॉचमैन पूरी तरह से जख्मी हो गया। वॉचमैन अनिल ने बदमाशों की गुंडागर्दी की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस पहले टाल मटोल करती रही, लेकिन जब सोसाइटी के लोगों ने इस मामले में दखल दिया तो पुलिस स्लम के बदमाशों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। बच्चे लोग उधर साइकिल चला रहे थे, गाड़ी में वो कर रहे थे, इसके लिए मैंने उनको मना किया। तो एक का थोड़ा हाथ पकड़ के मैंने वो किया कि चलो साइड चलो, इसके लिए वो आके मेरे ऊपर मारने लगे, रोने लगे थे, बेल्ट से मारा, मुक्का से मारा, 5-6 लोग थे। फिलहाल पुलिस ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी अपने कब्जे में ले लिया है और वॉचमैन की धुनाई करने वाले बदमाशों की खोज में स्लम में छापेमारी कर रही है, ताकि गार्ड से मारपीट करने वाले बदमाशों को धर दबोचा जा सके। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24।